दस चार हट तुद साजिया दस चार हट तुद साजिया दस चार हट तुद साजिया वो पारी करी वो पारी करी दस चार हट तुद साजिया तुद आपे धरती साजिया तुद आपे धरती साजिया चंद सूरज दोए दीवे तुद आपे धरती साजिया चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया दस चार हट तुद साजिया व्यापार करीवे व्यापार कदीवे इक नानू हर लाभ दे
ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਹਰੇ ਲੱਭਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਸ ਚਾਰ ਹਟੇ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਦਸ ਚਾਰ ਹਟੇ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤਿੰਨ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਆ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਆ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁੜੀਏ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁੜੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਦਸ ਚਾਰ ਹਟ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਦਸ ਚਾਰ ਹਟ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਦਸ ਚਾਰ ਹੱਟ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰੀਵੇ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਬੋ ਰਚੀ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬੋਬਿਤ ਬੋਬਿਤ ਅਨੁਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ
रचना साज बड़ी रचना साज बड़ी सबका एक धनी राज रहा राज रहा रचना प्रभु अपनी राज रहा रचना प्रभु अपनी कहां लाभ कहां खोइए तुद आपे धरती साजिए रचना प्रभु रची बड़ा खूबसूरत एक ख्याल देता है। आज समा थोड़ा है पर फिर भी मैं चाहांगा संखेप विच पूरी गल कर जावा। बड़ा खूबसूरत ख्याल दिता ने मेरे मालिक ने संसार बड़ी खूबसूरत रचना रची उनका जिक्र भी कर दिता। वाहिगुरु तेरी सब रचना वाहो खसम तू वाहो वाह है वाह मनुख उदो कहता है जदों शब्दावली खत्म हो जाए फिर कहता है वाह बे वाह बस। गुरु कहते ने हे खसम मालिक मेरे कोल कोई शब्दावली नहीं कि मैं तेरी उपमा कर सका तू वाह बड़ी खूबसूरत रचना रची है वाह खसम तू वाह जिन रच रचना हम किए मसला है भी ये रचना उसने क्यों रची क्योंकि हर गल दे पीछे क्यों दा सवाल दिखदा है बेमतलब तो कोई चीज भी नहीं असी नहीं कोई चीज कोई फैक्ट्री कोई संसार दा प्रोडक्शन करने वाला कोई चीज ऐसी नहीं बनांदा जिंदा कोई अर्थ ही ना होवे जिंदा मतलब ही कोई ना हो। मेरा रब कोई फजूल चीज तो बना नहीं सकता उनका एक एक पल कीमती है। ते फिर सवाल खड़ा होएगा भी ये रचना तू क्यों रची बस इस गल नूं आपां गुरबाणी विच्चों अज बड़ा डीपली लभना है। रात एक सब्जेक्ट चल रहा सी मन दा ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी बाणी दा मसला सी कि ओह कहिंदे ने मन नूं कंट्रोल कर मनो बड़ा कीमती है बड़ा है बल्कि गुरु ने तो मन नूं आख्या है असल विच राम दी अंश वड्डा पुत्र है ही मन। आपां गुरबाणी दी एक लाइन अक्सर पढ़ने हां मन मन तू ज्योत स्वरूप है ते ज्योत स्वरूप की है
परमात्मा गुरु कहते ने जोत रूप हर आप जेड़ा हरी आप है वो जोत रूप है उन्हें अगर गुरु नानक कहा है सवैया दी तुक है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहा है इनका मतलब वो जोत रूप है ते आखदे ने हे मन तू भी जोत स्वरूप है इनका मतलब उसे दी अंश बंश है मन जेड़ा है वो राम की अंश है पुत्र है उनका वड्डा पुत्र है ते वड्डे पुत्र लई अपने प्यारे पुत्र लई रब ने की कुछ किया लो इत्थे आपां समझना मन तू जोत स्वरूप है ते पिता दे फर्ज की ने ओ घर भी खूबसूरत बनांदा है जे उंदी तौफीक होवे उंदे खुशियां दे साधन भी इकत्तर करदा है जे उंदी तौफीक होवे पिछले दिनों में एक शब्द आया सी कि अपनी उकत खिलावे भोजन दो लफज आए सन गुरबाणी विच शब्द है जिंदे विच दो वारी लफज खिलावे है लेकिन उनकी स्पेलिंग विच फर्क है पहली बार है खिलावे खखे नाल ते दूजी बार है खेलावे लाव नाल खलावे का अर्थ बनता खुआना ते खेलावे का अर्थ बनता खेल विच पाउना खेलाउना खिडाउना ते मर्ज की सी जेड़ा खिलौना ये मनुख की मजबूरी विच शामिल है जिन्हें भी जन्म लेना है जीना है उन्हें खाना चाहिए ये तो जरूरी है पर खेड कोई जरूरी नहीं ओ खुशी दा केंद्र है ते मेरा रब उन्दा पुत्र है मन उन्हें उन्हों भोजन भी दिता है देना है उन्दा इंतजाम करना है ते उन्हें उन्दे लई खेड़ा उन्दिया खुशियां दा भी इंतजाम करना है ते निरा खेड़ा ते खुशियां दा इंतजाम नहीं करदा फिर सियाना पिता ये भी सोचता है मेरा पिता मेरा बेटा अपने पैरों पर किवें खड़ा होवे इनू पढ़ाना भी है इनू विद्वान ये बच्चा ही ना रह जाए उन्हें सारिया चीज़ा मेरा प्रभु मन लई पैदा कर रहा है पहला उन्हें धरती साजी है क्योंकि मन नू इत्थे भेजना सी असी तुसी मन आ इसे इनका नाम मनुख है मन आ जे मन चला जाए मन अंदर ना रहे रात भी गल आई सी कि मन बिना जीवन का कुछ भी नहीं ये मन उनका पुत्र है उनकी अंश है मन तू जोत स्वरूप है ते उस पिता ने सारी सृष्टि दे सारा कुछ जिथे इनू भेजा है उथे इंतजाम करना सी ते उन्हें किया कि तुद आपे धरती साजिया जीव बाद विच आया पहले धरती बनी तुद आपे धरती साजिया चंद सूरज दोए दीवे वड्डे घर दा पुत्र इत्थे भेजना है ते चंद्रमा ते सूरज उस घर विच दीवे जगा दिते क्योंकि वो वड्डे औकात दा मालिक है जिड्डा वड्डा पिता होवे जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी
जिन्ना वड्डा पिता होवे उन्ना ही वड्डा घर हुंदा है, उन्ना ही वड्डे साधन हुंदे ने। इन्ने चंद ते सूरज दोए दीवे जीव नूं भेजण तों पहलां बना दित्ते। जीव मन ते सिर निर्भर है। दुनिया दे हर जीव कोल इक मन है। चंद ते सूरज उन्ने दीवे बना दित्ते, फिर आख्या इहनूं हुण आपदे पैरां ते भी खड़ा है। इत्थे परख होणी है मन दी। रात गल जिहड़ी सी मन दी परख के आख्या भी बेरा ए मन पुत्तर किते अजाणा ही ना रह जाए। इहदे सिर जिम्मेवारियां भी सौंपा, ते ओह जिम्मेवारियां की सौंपियां, उसी जिम्मेवारियां आख्या लै व्यापार कर। मैं तां कालू नूं भी तां नानक नूं आख्या लै व्यापार कर, ते रब ने भी मन नूं आख्या लै व्यापार कर, तेरे लिए मैं एक बाजार बना देना, तेरे लिए एक बाजार बना देना, उन्दे विच बहुत सारियां हट्टियां बना देना। हुण इत्थे दस चार हट दा लफज आया है, चौदह, दस ते चार किन्ने हुंदे ने, चौदह। इस्लाम दे मुताबक भी चौदह हट्टियां दा मतलब चौदह तपक धरती दे हिस्से। कहन लगे मेरे रब ने चौदह हट्टियां बना दित्तियां, एक बाजार बना दिता, धरती साज दित्ती। सिर्फ मन दी पड़चोले, जे इत्थे जीव ने ना आना हुंदा, जे रब ने प्रभु ने अपनी संतान जीव ना भेजना हुंदा, इन्हां किसे चीज़ों की लोड़ ही नहीं सी। होया कि दस चार हट तुद सजया, दस चार हट तुद साजिया व्यापार करी। एक होर शब्द भी है उन्दे विच भी हू बहू यही लफ्ज ने, दोए दीवे, दोए दीवे चौदे हट नाले, दोए दीवे चौदे हट नाले जिते जी, जिते जी तेते बन जा रे, सबको मात पिता प्रतपाल जी, प्राण सुख सागर रे। पिता ते वड्डी औकात वाला पिता है, अमीर पिता है, जिंदे घर विच सब कुछ है, उनका घर छोटा तो नहीं ना हो सकता। इसलिए यह जग सच्चे की है कोठड़ी, ते बनाया जीव लई, जीवन लई, ते मन नू आख्या मैं तेनू हुण सियाणा ही करना व्यापार करी, व्यापार कर, मैं तेनू रास भी देना। रास भी कुछ छोटी नहीं, क्योंकि अमीर पिता है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या हर रास मेरी, हर रास मेरी मनु अनजारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी, हर रास मेरी। एक होर शब्द अंदर उस रास दा जेड़ा रब तो दूजा नंबर है। हैरान होना गुरबाणी विचों जदों चार चुफेरों भी इकट्ठा कर लेना तो हैरान हो जाना भी इन्ना खजाना। सतगुरु कहते ने साचे ते पवना भया, सच तो रब तो उनका पहला स्वरूप बदलिया होया जेड़ा है वह है पवन।
ਤੇ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਪਵਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਇ ਬੈਲ ਵਿਸਾਹੇ ਪਵਨ ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਲੈ ਆ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਲੈ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਸੀ ਪਵਨ ਤੇ ਪਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਸ ਪਵਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤਵੰਦ ਹੋਵੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਵਾਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਰਿਆ ਭਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਸਾ ਘਰ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਸ ਲੈ ਲੈ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਹੇ ਜੀਓ ਹੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਚੜੀ ਜਾਏ ਪੂਰਤਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਪਰ ਚਾਰ ਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਰੰਭ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਤ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ
बालक बुद्ध अचेत उदो तो बच्चा से ते फिर कहंदे ने दूजे पैर रहण के बन जा रहा मित्रा पर जो बन लहरींदे फिर तू जवान से बुरा भला ना पछाण ही बन जा रहा मित्रा मन मत्ता अमे फिर कहन लगे तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा सार हंस उलथड़े आए रात भी लफदाए सन कि हंस तो भाव है चिट्टा क्योंकि हंस चिट्टा हुंदा है बगले तो भाव है काला जवानी काली हुंदी कहन लगे मनो तेरे शरीर दे रोम जड़े ने ओ हंस वर्गे चिट्टे आ गए बुढ़ापा आ गया ये जीवन दा तीजा पैर है तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा सर हंस उलथड़िया है ते फिर कहन लगे चौथे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरध भया तन थीन बस बड़ा हो गया फिर की हालत हुई के अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना बैन सारा जन्म बीत गया जिनी श्वासा की पूंजी लैके आया सी बालक ते बिरध भया होना सा होया जो जो माए झोट पकदे तबे काहे रोया बुढ़े पा गया श्वासा की पूंजी तो खत्म हो गई हुण इंदे च पिता का की दोष है दसो पिता ने तो सानू दित्ती और बिना किसे की बंदे दिती लै सौसां दी पूंजी लै ले चल वर्ज कर व्यापार कर मैं ते हैरान हुन्ना इत्थों तक गुरु ने बाणी विच कह दिता जिवें सियाणा पिता जिहड़ा है ना वो कई बार सोचदा है बच्चा अजाण है किते वर्ज व्यापार विच धोखा ना खा जाए इहनू तजर्बा कोई नहीं ये आम जीवन दी गल्लां ने जिहड़ियां मैं तुहानू दस्सां फिर सियाणा पिता की करदा वो कहंदा बेटा मैं तैनू व्यापार विच पा रहा पर तैनू अजे तजर्बा नहीं किसे तजर्बेकार साथी नाल तेरी पार्टनरशिप कर देना आप करदे ना बच्चे नू आखीदा लै तेरा सियाणा जिहड़ा चंगा व्यापारी तजर्बेकार व्यापारी होवे मैं उहदे नाल तेरी फर्म सांझी कर देना पार्टनरशिप कर देना पर पार्टनरशिप दे इक नियम हुंदे ने कि फिर तू अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकता वो सांझी को पार्टनर को पूछना पड़ेगा फर्म का नाम ही तू अपनी मर्जी नाल नहीं रख सकता उनके को पूछना पड़ेगा तो मेरे रब ने जीव नू भेजे तो आख्या मैं तेरे नाल एक पार्टनर सियाणा कर दिया कि ऐसा ना हो तू अपनी पूंजी खराब बर्बाद कर लवें ते ओ गल भी उस पार्टनर दा नाम भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आ गया कहन लगे सांझी हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रित पालक ते अगे जाके लाइन है कहन लगे सांझी गुर नाल बहालिया गुरु नु तेरे नाल सांझी बहाल देता हुण कोई काम अपनी मर्जी नाल न करी गुर पुछ लिख विचार जिन्ना मर्जी सियाणा होवे साधन होवे तेरे कोल पर फिर भी सांझी दी नाल तां पार्टनरशिप तां ही निभनी है जे उहदे कोलों पुछ के चलेगा तेरी फर्म दा नां भी इसलिए तेरी मर्जी दा नहीं असीं छड्डी जाने आ पार्टनरशिप सिंह नाम की है दर्शन माता पिता लिख रख सकदी है ना सिंह नहीं रख सकदी सिंह तां गुरु ने रख दिता जोबन पाल माता पिता ना रख सकते ना सिंह नहीं सिंह तो गुरु दे गुरु दा ना पार्टनरशिप दी निशानी है
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਤੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਟੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਵਣਜਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਰਜਣੀ ਲਿਦੇ ਆ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚਾਖੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ, ਵਣਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਭਲਿਓ, ਜਾਂਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਚ ਰਹੋ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਹਾਂ ਲਾਭ ਕਹਾਂ ਖੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ
दस चार हट तुद साजिया दस चार हट तुद साजिया बपार करीवे बपार पार करी सतगुरु ने बाणी विच आख्या के दोए दीवे चौदे हट नाले जेते जी तेते बन जा रहे हैं खुले हट हुआ व्यापार पर व्यापारी नूं इह पता होवे बाजार विच हमेशा नहीं रहिंदा बाजारां विच घर नहीं हुंदे सियाणे लोग बाजार विच घर बनाउंदे ही नहीं उत्थे बेचैनी हुंदी शांति नहीं मिलदी पीसफुल रहना नहीं मिलदा बाजार विच कहने लगे संसार भी के इत्थे विश्वास होवे इत्थे रहना नहीं ये तेरा घर नहीं इत्थे व्यापार करना है कुछ कर लै कहन लगे जो दिसै सो चलनहार खुले हट होआ व्यापार जो पहुंचे सो चलनहार जेड़ा आया है उन्हें चला जाना है अपनी रास पूंजी संभाल के योग थान ते वर्त ताकि ए स्वासां दी पूंजी व्यर्थ न चली जाए अपने जीवन दे वणज विच व्यापार विच फेल हो के ना जावे इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका समा हो गया अपना सुभाजा बने उन्हों में रखना चाहना सुगुरु कृपा करे आपां नैक्सट टाइम ते अजे मन दे वणज दी गल करांगे गुरु बख्शिश करे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तां कोई थोड़ी नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब विच कोई कमी नहीं जीवन का हर पहलू बड़ी चंगी तरह समझाया जाता है ताकि कोई भरम ना रह जाए इन्हें शब्दों नाल खिमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह